दिल्ली की ये वीडियो आपको अंदर से झकझोर देगी। किस प्रकार से मोहम्मद साहिल खान 16 साल की मासूम हिंदू लड़की साक्षी को 21 बार चाकू से गोदता है, चाकू से छल्ली करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता है तो पत्थरों से कूंच देता है उस लड़की का सिर। और जो वहां पे तमाम लोग खड़े थे वो सभी लोग तमाशा देखते रहते हैं, खड़े हैं और देख रहे हैं किस प्रकार से वो मार रहा है, और किसी की हिम्मत नहीं बनती है कि वो जाकर साक्षी बिटिया को बचाने का प्रयास करे। क्या जितने लोग वहां पर खड़े थे, जो लोग तमाशा देख रहे थे, यकीन मानिए अगर एक एक थप्पड़ मारते ना साहिल को, एक एक थप्पड़ मारते तो वहां वो साहिल वहीं पे ढेर हो गया होता। लेकिन एक एक थप्पड़ मारने तक की इन हिजड़ों में हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, क्षमता नहीं थी। सब लोग चूड़ियां पहन लिए हैं और सभी लोग इतने नपुंसक हो गए हैं और नामर्द हो गए हैं कि उनके हाथ नहीं जा रहे वहां पर बचाने के लिए, वो प्रयास भी नहीं करते हैं कि साक्षी बिटिया को बचाया जाए। ये नपुंसकता है और ये नामर्दानगी भरी हुई है उनके अंदर, जो लोग वहां पर देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। जितने भी लोग वहां पे लाइव में तमाशा देख रहे थे वहां पर किस प्रकार से साक्षी की हत्या कर रहा था मोहम्मद साहिल खान, तो हम उनसे कहना चाहते हैं आप एक सूची बनाइए जितने भी लोग सामने से देख रहे थे। हम आपके घर पे एक एक दर्जन चूड़ियां भिजवाना चाहते हैं, आप वो चूड़ियां पहनिए और पहनकर बताइए किस प्रकार से हिजड़ों वाले जो काम किए हैं, वास्तव में भी तो आप हिजड़े दिखने चाहिए। आप वहां पे टी शर्ट और जींस पहनकर, जींस और शर्ट पहनकर, लुंगी और कुर्ता पहनकर आप मर्द बनकर घूमेंगे जब समाज में, तो यकीन मानिए ये समाज भी दूषित हो जाएगा आपके मर्दानगी की वजह से। अगर आप हिजड़े हैं, आप छक्के हैं, तो मानिए ना कि आप छक्के हैं, आप बताइए कि आप छक्के हैं। और आपकी पहचान छक्कों से तब की जाएगी, हिजड़ों से तब आपकी पहचान होगी, आपकी तुलना होगी, जब आप सामने से चूड़ी पहनकर घूमेंगे आगे से, क्योंकि आपके सामने एक 16 साल की मासूम बच्ची की हत्या होती रही और आप बैठकर वहां पर तमाशा देखते रहे, खड़े होकर तमाशा देखते रहे और आप बचाने का भी प्रयास नहीं किए। इसी को कहते हैं हिजड़ा और इसी को कहते हैं नामर्दानगी। यकीन मानिए जो भाई हम गाली नहीं दे रहे हैं, जो हिजड़ा समाज होता है ना, जिन्हें लोग बोलते हैं कि ये नपुंसक है, नहीं ये मेल है ना फीमेल है, ये बीच का है, छक्का है, हिजड़ा है, इस प्रकार से जिसको कहते हैं ना, यकीन मानिए अगर वो भी होते तो बचाने का प्रयास करते। लेकिन तुम मर्द के नाम पे हिजड़ा हो, यकीन मानो तुम्हारे अंदर बच्चा पैदा करने की ताकत है, जो ताकत सूअरियों के अंदर भी होती है, जो सूअर का मतलब मेल होता है ना, उसमें भी वो ताकत होती है बच्चा पैदा करने वाली, वो ताकत तुम्हारे अंदर भी है। जो गधा होता है ना, गधा, उसके अंदर भी वो ताकत होती है बच्चा पैदा करने वाली, वो ताकत तुम्हारे अंदर भी है। बाकी सुअर किसी को बचाने का प्रयास नहीं करता है, हिजड़ा किसी को बचाने का प्रयास नहीं करता है, उसी प्रकार से नपुंसक हो गए हो तुम, हिजड़े हो गए हो, यकीन मानो।